हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपके लिए आगे कंटिन्यू करने वीडियो के आ गई हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रखा था और आपका हाफ 1 पार्ट जो था वो अपलोड हो चुका है। और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि फर्स्ट चैप्टर से लग रहे हैं उनका कोर्स या कोई भी उनकी वीडियो ना छूटे, कंटिन्यूटी में वो लगे रहे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, आई होप आप देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को, अपनी क्लासमेट्स को, ताकि इस कोरोना उस काल में आपकी स्टडी पे कोई इफेक्ट ना मिले। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल साइंस की सारी क्लासेस आपको यहाँ मिल रही है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और प्लीज इसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप व्यूज आ रहे हैं लेकिन आप उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, हमने अपने फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसका हम पहला पार्ट कर चुके हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, हमारा सेकेंड पार्ट जो है अब स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं उसकी। केमिकल रिएक्शन पढ़ ली थी कि केमिकल रिएक्शन किसमें होती है, हमारे केमिकल चेंज जो भी होता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये हम पढ़ चुके थे बिल्कुल। उसके बाद हमने जाना कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे थे वो रिएक्टेंट और जो हमारे राइट हैंड साइड पे थे वो हमारे प्रोडक्ट्स थे। उसके बाद हमने बैलेंसिंग देखी कि नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट्स हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए बिल्कुल। उनको बैलेंसिंग करने के लिए देखा था हमने, बैलेंसिंग सीख ली थी कि हमें जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है उनको मल्टीप्लिकेशन बाय द मल्टीप्लिकेशन करके हमें दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक अपनी पहले पार्ट में, वीडियो के पहले पार्ट में हम यहाँ तक कर चुके थे। अब नेक्स्ट हमें आगे जो कंटिन्यू करना है, अब आती है हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, आई होप आपको बढ़िया लगने वाला है सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। इसमें है सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन में आपको क्या करना है, हमारी टाइप्स देखनी है हमें। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले है हमारी 3 टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमारी रिएक्शन है वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, कंपोजिशन, ये सॉरी टाइपिंग एरर है, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये हमारा, ठीक है। क्या है कॉम्बिनेशन, ये नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन होने पे बनेंगे, ठीक है। जब इसमें 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कंबाइन होना, जब हमारे 2 और मोर, when the reaction formed by the 2 or more elements or compounds, या simply हम कह सकते हैं कि जब 2 or more reactants आपस में क्या करेंगे, combine होंगे and they form the a new product, that is called the combination reaction, ठीक है। इसके example देख लेते हैं, जैसे magnesium है, एक magnesium लिया हमने और उसको किसके साथ combine किया, oxygen के साथ, जैसा कि हमने अपने उसमें activity में भी किया था, magnesium ribbon को oxygen के साथ burn किया था, तो that is also a combination reaction, ठीक है। तो इसमें क्या बना था, magnesium oxide, क्या बना था, magnesium oxide, ठीक है। ये भी हमारी combination reaction है। उसके बाद iron लिया हमने, iron को sulfide के साथ join कराया, तो हमारा क्या बन गया, iron sulfide, this is also a combination reaction। तो आई होप आप देख के पहचान लेंगे, अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, कि कौन सी रिएक्शन है, तो आई होप आप उसे देख के पहचान लेंगे कि दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मींस कि रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड आपस में ज्वाइन हो रहे होंगे और एक न्यू प्रोडक्ट वो बना रहे होंगे, ठीक है। एक और मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, काफी एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे हमने लिया है हाइड्रोजन, उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया, ठीक है, और क्या फॉर्म किया हमने यहाँ पे, H2 वाटर फॉर्म किया, ठीक है। क्या आप मुझे बताओगे, अब इसमें मैंने आपको 3 जो है एग्जाम्पल दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, हमने बैलेंसिंग का नहीं करा था। देखो इसमें अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैग्नीशियम वाली देखो, फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही रहेगा, तो साथ ही साथ इसको एक बार बैलेंसिंग भी कर लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको दो करूंगी तो मुझे क्या है इसको बैलेंस करना पड़ेगा पूरा, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो क्या आप ये बैलेंस लग रही है आपको, दो मैग्नीशियम के हैं यहाँ पे भी दो मैग्नीशियम के हैं, ठीक है जी, दो ऑक्सीजन के हैं यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन के हो गए, तो इट मींस दिस रिएक्शन इज नाउ कॉल्ड ए बैलेंस रिएक्शन। ये क्या है हमारी बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना बैलेंस रिएक्शन की, और आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आई होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आप कॉम्बिनेशन के, कॉपर को सल्फेट के साथ करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा कॉपर सल्फेट बन जाएगा, जिंक को क्लोराइड के साथ करेंगे आप तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा। सो मेनी रिएक्शन जहां पर आपको टू और मोर सब्सटेंस आपको कंबाइन होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हुए नजर आएंगे, दीज आर इंक्लूड इन द कंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर है कंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें कंपोजिशन अब जो रिएक्शन आ रही है इसमें दो टाइप की रिएक्शन और हैं, डेफिनेशन देख लीजिए आप इसी पे। हमारी एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, कौन सी होती है एंडोथर्मिक, ठीक है एंडो, और एक होती है एक्सोथर्मिक, कौन सी होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है। नाम से आप देखो ऐसे ना आप एक मतलब ट्रिक्स ही बना लिया आपको, एक्सो मीन्स क्या होता है एग्जिस्ट मीन्स निकलना बाहर निकलना, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है बाहर निकलना, यहाँ से क्या होगा कि अपनी जो हीट होगी ठीक है कुछ ना कुछ क्या निकल रहा होगा बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। और एंडो का मतलब क्या होता है कि हम इसमें कुछ ना कुछ दे रहे होंगे, समझ रहे हो आप बात को, जब भी ये सब एंड कंपोजिशन रिएक्शन होगी जब इसमें हम कुछ ना कुछ बनेगा तो हीट क्या होगी निकलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसी का दे देती हूँ मैग्नीशियम वाले का, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बना ही था, उसके साथ क्या बना था हीट भी इवॉल्व निकली थी ना, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर आपका हीट इवॉल्व होगी एक्स का मतलब निकलना एग्जिस्ट होना, दीज आर नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो मीन्स जहां पर आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, किसी सब्सटेंस को फॉर्म करने में या उसको डिकम्पोज करने में अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो दिस इंक्लूड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक का मतलब क्या होता है हीट, थर्मिक का मतलब क्या है हीट, नाम से पता चल रहा है, और एंडो का मतलब देनी पड़ रही है, और एक्सोथर्मिक क्या हो गई थर्मिक मीन्स हीट और एक्सो मीन्स हीट बाहर पास आउट हो रही है। आई होप ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, एक बार और देख लेंगे वीडियो, नहीं आएगी और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स आपका ओपन है उसमें पूछिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरी, सेकेंड हमारी रिएक्शन है दैट इज द डीकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि कंपोजिशन रिएक्शन में क्या था कि टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड होकर बना रहे थे एक न्यू प्रोडक्ट, डिकम्पोज नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना किसी चीज का मींस ब्रेक होना, ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है मींस ब्रेक होना कि एक जो प्रोडक्ट होगा ठीक है एक जो पूरा रिएक्टेंट है जो किसी टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बना है वो क्या होगा ब्रेक होगा इनटू देयर प्रोडक्ट, ठीक है, अपने उसमें प्रोडक्ट में या अपने कॉन्स्टिट्यूट में क्या हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें एक देखो एक डेफिनेशन देख लेते हैं, वैसे डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, सिंगल रिएक्टेंट जो होगा दैट डीकंपोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, जिससे वो बना है उसमें वो ब्रेक डाउन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप ये भी आप देख के पहचान लोगे कि आपको एक पूरा एलिमेंट या कंपाउंड दे रखा है और फाइनली जब वो प्रोडक्ट वाली साइड जो बन रहा है देन इट ब्रेक डाउन, ठीक है, वो क्या हो रहा है टूट रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने वहां पे क्या बनाया था वाटर बनाया था, वाटर किससे मिलके बना है अगर हम इसे डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो बना है, हाइड्रोजन निकला और ऑक्सीजन निकला। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो आपकी इक्वेशन है बैलेंस है या नहीं। बिल्कुल, ये जो आपकी इक्वेशन है दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के फोर हैं, टू टू जा फोर, यहाँ पर भी कितने हैं टू टू जा फोर, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने हैं दो और यहाँ पर कितने हैं टू, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से आप बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंसिंग बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 3-4 मार्क्स की आपकी बैलेंसिंग आती है एग्जाम में, तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस करते रहिए बैलेंसिंग की, आप चैप्टर खत्म होने के बाद हम इसकी क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये किसमें डिकम्पोज हो रहा है H2O वाटर निकल रहा है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है।
इसी तरीके से NaCl का जो सॉल्ट है, NaCl किससे मिलके बना है, जब ये डिकम्पोज हो रहा है तो किसमें हो रहा है, एक तो इसमें Na था ठीक है सोडियम, और एक क्या था क्लोराइड Cl ठीक है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है दीज आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक चीज और इम्पॉर्टेंट कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है ठीक है, बट मोस्टली दीज आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट इज गिवन टू ब्रेक द रिएक्टर। किसी भी रिएक्टर को ब्रेक करने के लिए जो भी आप बाहर से इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मींस दे आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट इट नॉट कंपल्सरी। एक्सेप्शन केस में है ऐसा कि एक्सोथर्मिक भी वो हो सकती है ठीक है। चलिए आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, तो आप पहचान नहीं सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस कंपोजिशन। इस तरीके से आपको इक्वेशन लिख के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड वन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है। तीसरी कौन सी है, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट ठीक है, भी क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस करना, देखो नाम से, इसको नाम में ही छुपी रहती है सारी मेरे बच्चों ठीक है। आप नाम में देखो सब चीज आपको उसके नाम में मिल जाएगा। डिस्प्लेस का मतलब जब हम कहते हैं ना कि बेटा थोड़ा सा इधर हो जा, थोड़ा सा उधर हो जा, जब हम किसी को डिस्प्लेस कर देते हैं तो वो क्या होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल सही समझा आपने, व्हेन ए रिएक्ट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखो सिंपल एक स्टोरी बताती हूँ इसके लिए, बाद में इसको डेफिनेशन बाद में करेंगे। भैया एक दो फ्रेंड्स हैं, एक है रामू एक है श्यामू। श्यामू भैया बहुत हट्टा कट्टा है ठीक है, और जो रामू है वो बिल्कुल पतला सा है। अब एक बात बताओ दोनों की एक चीज पर क्या हो गई कि वो क्या, रामू कह रहा है कि मैं भी इसी सीट पे बैठूंगा, श्यामू कह रहा है मैं भी इसी सीट पे बैठूंगा, तो कैन यू गेस कि कौन सा उस सीट पे बैठ पाएगा। आप कहोगे मैडम जिसमें ताकत है वही बैठेगा, तो श्याम क्या है ज्यादा हेल्दी है और रामू क्या है पतला सा है, तो रामू के श्याम क्या करेगा, रामू को उसे डिस्प्लेस कर देगा, उसे हटा देगा, उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा, मतलब उस जगह पे वो खुद बैठ जाएगा। सेम फंडामेंटल इस रिएक्शन में ऐसा ही है ठीक है मेरे बच्चों, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल सेम फंडा है इसी में कि जितना हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा या मेटल होगा ठीक है, वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा कि हट जा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे समझ में, चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपके दो होते हैं, एक तो सिंगल ठीक है और एक आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी दो रिएक्शन होती है, एक तो आपकी सिंगल है ठीक है और एक आपकी डबल। चलिए सिंगल देखते हैं सबसे पहले, आइए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया आपको ठीक है। एग्जांपल देखो, सोडियम ब्रोमाइड लिया हमने ठीक है, NaBr ये सिंबल है इसका, सोडियम ब्रोमाइड ठीक है। अब और ये क्या है हमारा क्लोराइड, समझ रहे हो। सबसे पहले हमें इनका कैटाइन एनाइंस भी पता होना चाहिए, जब अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं तो सोडियम के ऊपर क्या कौन सा चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव ठीक है। जब हमने कौन से डिकम्पोजिशन में पढ़ा था, NaCl किसमें ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव ठीक है। तो सबसे पहले ये रूल जान लो कि जो पॉजिटिव आयन होगी ना वो पॉजिटिव के साथ नहीं जुड़ेगी, समझ गए। ऐसे याद रख लो कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो सेम फंडा आपको इसमें याद रखना है बेटा कि जैसे NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड है और क्लोराइड ठीक है। इसको पहले सोडियम को देखो, सोडियम पे क्या है ऑलवेज प्लस चार्ज है ठीक है, जब ये ब्रेक होगा NaBr और Br नेगेटिव है ठीक है। अब हमने देखा था कि क्लोरीन के अंदर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन के पास भी, समझ रहे हो। तो अब ये जो पॉजिटिव वाला है सोडियम वो किसके साथ मिलेगा, क्या ब्रोमाइड के साथ, ब्रोमाइड जो है वो क्लोराइड के साथ मिलेगा, नहीं। अब आप यहां से ही अंदाजा लगा लो कि आप ब्रोमाइड को क्लोराइड के साथ नहीं लगाओगे ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रोमाइड भी क्या है आपका नेगेटिव आया और क्लोराइड भी नेगेटिव है, तो इसका पेयर तो नहीं बनेगा, तो क्या होगा NaCl बनेगा और आपका ब्रोमाइड जो है वो बाहर निकल जाए। आया समझ में, देखो फिर से बताते हैं नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखो, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर का फॉर्मूला है Ag नाइट्रेट NO3 ठीक है। जब आप इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे तो ये किसमें चेंज होगा,
एजी पॉजिटिव, ठीक है, और आपका नाइट्रेट नेगेटिव, क्लियर है। आइए समझ, अब देखो कॉपर हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब बता सकते हो आप क्या फॉर्म होगा? देखो एजी कॉपर के साथ तो जाएगा नहीं, जैसे कि हमें पता है, हमें तो पहले ही पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव कभी मिलेंगे ही नहीं, तो कौन सा मिलेगा? कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट नेगेटिव है, कॉपर किसके साथ कंबाइन हो जाएगा या नाइट्रेट किसके साथ जाएगा? कॉपर के साथ। देन दे फॉर्म द कॉपर नाइट्रेट, और हमारा जो सिल्वर है वो बाहर निकल जाएगा। आया समझ में मेरे बच्चों आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जो हाइली था, ठीक है, जो कॉपर था, कॉपर में किसको डिस्प्लेस कर रहा है? आपके सिल्वर को। इट मींस जो कॉपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर। इसी तरीके से सोडियम ब्रोमाइड में जो ऊपर वाली रिएक्शन थी उसमें आपका क्या है, जो सोडियम है उसमें ब्रोमाइड ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है? क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा अपने से लेस रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट है वो तो सिंगल में था, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होंगे? व्हेन टू और मोर एलिमेंट या कंपाउंड एक दूसरे से हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी वही ध्यान रखना कि पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होगा और नेगेटिव नेगेटिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड है, बेरियम में देखो सबसे पहले निकालो पॉजिटिव क्या है, बेरियम पॉजिटिव ब्रेक होगा और क्लोराइड नेगेटिव, इसमें सोडियम पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव। तो अब बनाओ क्या बनेगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बनाना। देखो सिंपल सी बात है, बेरियम सोडियम के साथ तो कंबाइन होगा नहीं, पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? नेगेटिव के साथ। वेरी गुड, तो बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, और ये सोडियम पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? सीएल नेगेटिव के साथ। वेरी गुड, तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से आप इसमें करो, इसमें आपको देखो दोनों कंपाउंड मिल रहे हैं, एक कोई भी एक सिंगल एलिमेंट नहीं मिल रहा आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में, ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दोनों देखो कंपाउंड की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, और आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन कैसे कंबाइन होंगे? एक पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव के साथ। चलिए नेक्स्ट चले, आई होप आपको रिएक्शन समझ में आई होंगी, ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ एक चीज और है आपके लिए, मैंने रिएक्टिव सीरीज बनाई है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा, वैसे तो अभी तो आप अपने आप ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर हो आप इसको कर सकते हैं तो रिमाइंड कर लेना, ठीक है। ये मैंने सारे आपके मेटल्स के बनाए हैं, सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव कौन सा है? पोटेशियम, फिर सोडियम, उसके बाद लिथियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, टिटेनियम, मीन्स ये क्या है आपकी रिएक्टिव सीरीज है, ठीक है। यहाँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, किसमें है आपके ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा, इसमें है डिक्रीजिंग में, मतलब सबसे पहले हाईएस्ट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट में सबसे कम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, ठीक है बच्चों, तो आप ये ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यस, अब आगे आता है कोरोजन। कोरोजन क्या है? जंग लगना, ठीक है, इसको रस्टिंग भी हम बोलते हैं आम भाषा में। हम घरों में जनरली देखते हैं कि लोहे की कोई चीज आती है, नई नई तो सही लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उस पर ब्राउन कलर की लेयर, मतलब जंग लगना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो वही क्या है हमारा? कोरोजन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन ऑक्सीडेशन, और ये कैसी रिएक्शन है हमारी? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है मेरे बच्चों? ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाना, ठीक है, किसके साथ? आयरन के साथ, ठीक है। अब दिस आयरन, अब ये जब ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो गई है तो ये आयरन क्या करता है? इसके साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ, ठीक है, एंड फॉर्म द हाइड्रेटेड आयन, और क्या बना देता है? हाइड्रेटेड आयन बनाता है और ऑक्साइड, जो हमें क्या लिखती है, जिसे क्या कहते हैं, वो एक लेयर बना देती है ब्राउन कलर की, दैट इज कॉल्ड द रस्ट, उसको क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं, ब्राउन कलर की होती है आयरन के ऊपर, ठीक है। रिएक्शन देखो, आयरन है आपका Fe2 होता है ये, और किस में चेंज कर देती है इसको? Fe3 फेरस से फेरिक इसको कर देती है, क्लियर है। चलिए ऑक्सीजन के साथ इसमें आपको
ऑक्सीजन और वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, हाइड्रेटेड आयन बना देता है ऑक्साइड की, ठीक है, जो ये जंग का फॉर्मूला है, आपका ध्यान रखना, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगी और यहाँ पे रिडक्शन भी होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एड होना, ऑक्सीजन एड हो रही है देखो यहाँ पे, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का इवॉल्व और हाइड्रोजन का एड होना, इसमें क्या होगी हाइड्रोजन एड होगी, तो देखो यहाँ पे हाइड्रेट आयन भी बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। चलिए, सिंस ऑक्सीजन इज ऑल्सो कम्बाइंड विद मेटल, दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन, मीन्स खुद कंबाइन हो रही है और दूसरे हाइड्रोजन को बाहर निकाल रही है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो ए रिडक्शन, और जब खुद कंबाइन हो रही है तो दैट इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर इसने आपसे पूछ लिया जाए कि क्या क्या चीज चाहिए कोरोजन के लिए, रस्टिंग के लिए क्या क्या, वॉटर, मॉइस्चर और क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर द कोरोजन। नाउ आप कोरोजन लग गई, लेकिन उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम रस्टिंग को, देखो बच्चों, फर्स्ट है ऑयल लगा सकते हैं आप, कि अगर आपने जो प्राइमर वगैरह आते हैं वो अपने मेटल पे अप्लाई कर देंगे तो रस्टिंग नहीं लगेगी। कुछ और किसी चीज की कोटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, पेंट कर सकते हैं मेटल को, उसको प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं कि जहां पर पानी वगैरह या फिर आपका मॉइस्चर ना आए, ठीक है। या एक और रिएक्शन है, दैट इज द गैल्वेनाइजेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी टर्म आ जाती है कई बार डेफिनेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, कि मेटल के ऊपर, आयरन मेटल के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर देना, दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। अगर हम इसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं तो हमारा जो मेटल है आयरन वो रस्ट नहीं लगता। तो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द रस्टिंग, उस पर अप्लाई आप तेल कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन जिंक की कोटिंग करके उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट हमारी टर्म आती है और इस चैप्टर की आपकी आखिरी टर्म है ये रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, कि खराब होना, स्मेल होना, ऑक्सीडेशन होना किसी चीज का, ठीक है। किसका, फैट का, ऑयल का, मोस्टली जनरली ये किसमें मिलेगा आपको, जो आपके फ्राइड चीजें हैं, जैसे आपके चिप्स हो गए, फ्राइड हो गए, नमकीन हो गई, जो तली हुई होती हैं, जब भी आप उसको बाहर छोड़ देते हो, निकाल के पैकेट लेके आए, पैकेट फूले हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर रख दोगे थोड़ी देर के लिए खुला, तो आप देखोगे कि वो है ना बिल्कुल मॉइस्ट हो जाती है, सील, जिसको आम भाषा में आप बोलते हो कि सील गई है, ठीक है। तो वही प्रोसेस क्या है रेंसिडिटी, अब इसको एक बार देख लेते हैं। व्हेन द सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल और फैट, किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑयल फैट है और उसको आप एयर में एक्सपोज कर देते हैं, एयर में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो उसका सारा जो फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और रेंसिड, रेंसिड का मतलब वो सील जाती है, ठीक है। ड्यू टू देयर स्मेल, उसमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, सीली हुई बिस्किट और नमकीन ये सब चीजें हम नहीं खाते, क्यों, क्योंकि उन सब में चेंज आ जाता है और वो अच्छी नहीं होती, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रेंसिडिटी, इसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। चलिए अब इसको कैसे हटा सकते हैं, रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसे देख लेते हैं। बाय स्टोरिंग फूड एयर टाइट कंटेनर, बिस्किट खाए जो बचे उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दिया, ठीक है, जिससे रेंसिडिटी की प्रोसेस ना। उसके बाद फूड कैप्ट इन रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हो, उसमें भी रेंसिडिटी कम होती है। तीसरा, रिप्लेस ऑक्सीजन कंटेनर विद अनदर गैस, ऑक्सीजन ना डाल के उन पैकेट्स में, जैसे आपके जो चिप्स के पैकेट आते हैं फूले हुए होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस, पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस होती है उसमें, फिर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन, जो क्या करती है, जो ऑक्सीडेशन होता है फैट्स का उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिवेंट चिप फ्रॉम रेंसिड, चिप्स मैन्युफैक्चर फ्लश द बैग विद नाइट्रोजन गैस, इसलिए वो जो फूले फूले होते हैं उनके अंदर किस लिए होते हैं, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। और क्यों होती है, ताकि वो जो अंदर का जो उसमें आपका चीज है, चिप्स वगैरह है, वो मॉइस्ट ना हो, रेंसिड ना हो, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए ये हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। चलिए बच्चों, ये आज आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसका पार्ट 1 देखना मत भूलिए, अब मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, प्लीज आप उसको भी देखें, तो पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही आपको वीडियो मिली है।
इसके बाद हम इसके प्रैक्टिस सेशन करेंगे, प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, उसमें क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, ताकि आपके डाउट और भी क्लियर हो जाए. और क्वेश्चंस वही लेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपके आए हुए हैं या आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे सेशन को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्लासेस बाय शैली को. बाय.